25 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा तिथि के दिन बस घर के कोने में चुपचाप रख दीजिएगा। दो इलायची। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इतना धन आएगा, आपके पास की सात पीढ़ी भी करेंगे। पैसों पर राज, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। आप एक ही दिन के उपाय से धनवान बन जाओगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि अगर किसी को माना गया है वह पौष पूर्णिमा तिथि को माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को साथ में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। दूसरी तरफ वेद पुराण में बताया गया है कि इस पूर्णिमा पर आप जो भी उपाय करते हैं उसका लाभ पूरे साल आपको मिलता रहता है। दोस्तों, 25 जनवरी को पढ़ने वाली पौष पूर्णिमा तिथि पर इस बार कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शिव योग, शुभ योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 130 वर्षों बाद आया है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 24 जनवरी को रात्रि 9:24 से पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन यानी 25 जनवरी को रात्रि 11:30 तक रहेगी। वेद पुराणों के अनुसार अगर आप पौष पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं, पूरे दिन व्रत करते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान जरूर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन अगर आप इस पूर्णिमा तिथि पर सुबह सोकर उठ नहीं सकते हैं, न किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं, न व्रत रख सकते हैं, लेकिन इसके विकल्प में अगर आप सिर्फ दो इलायची का वह उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। हर प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों से आपको इस उपाय को करने के बाद मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने तक कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हमारा प्राचीन ज्ञान चैनल सटीक और सत्य जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलायची का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के बता दें दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय चीजों में जो होती है वह इलायची मानी गई है। दूसरी तरफ जो इलायची होती है वह शुक्र ग्रह का कारक होती है। शुक्र ग्रह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है उस निर्णय से सिर्फ उसका फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। अगर आपने इलायची का उपाय इस पूर्णिमा तिथि के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो इस उपाय का लाभ पूरे साल आपको मिलता रहेगा। पूरे साल आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बने रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल में आप धनवान बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखे माता लक्ष्मी जी की जय। इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवद गीता में लिखा हुआ कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इसलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और भी लोग प्राचीन लुप्त जानकारी का लाभ उठा सके। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका शुक्र ग्रह का साथ रहे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, पूरे साल आपके पास जो धन आए उस धन में वृद्धि हो, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि के सूर्यास्त को करना है। देखिए, पौष पूर्णिमा तिथि के दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके पवित्र होना है और लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको दो इलायची लेनी है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी हो, सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। दो इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम तुरंत ही कमेंट में आपका रिप्लाई देंगे। और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी नमः। हम फिर से दोबारा बोल रहे हैं महालक्ष्मी नमः। अब आपको दो इलायची में एक इलायची अपने पर्स में रख लेना है। बस आपका पर्स चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरी इलायची को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो यह इलायची अभिमंत्रित हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे सिर्फ उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। यह प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है, जिसको करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको यह करना है कि 25 जनवरी को सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें एक इलायची डाल देना है और यह जल आपको सदाबहार के पौधे को अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको इस पूर्णिमा तिथि की सुबह के वक्त करना होगा। देखिए, जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के आठ स्वरूप का वास होता है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय पौधा है सदाबहार का पौधा। और अगर आपने सिर्फ इस पूर्णिमा के दिन किसी भी सदाबहार के पौधे को एक लोटा जल इलायची डालकर अर्पित कर दिया तो माता लक्ष्मी जी के आठ स्वरूप का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य के साथ पानी का। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ दे, माता लगता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे, तो एक बात तो समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गाय की सिंग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। अब आपको यह करना है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन अपने घर पर 11 रोटियां बनवा लेना है। हर रोटी पर आपको एक एक इलायची रखनी है और किसी भी गाय को खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देता रहेगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपके घर पर इतना धन आए जिसके बाद आपके पूरे परिवार को धन की कमी ना हो, पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, तो दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। हल्दी जो होती वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। हल्दी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। तो इस पूर्णिमा तिथि पर आपको एक डिब्बा लेना है, उसमें पूरा हल्दी भर देना है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा यह डब्बा कभी इस्तेमाल ना हुआ हो। आपको दो इलायची लेना है, अपने घर के पूजा घर पर इस पूर्णिमा तिथि के सूर्यास्त के बाद आपको जाना है और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने सबसे पहले आपको घी का दीपक जलाना है
अब आपको हल्दी को और दो इलायची को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस हल्दी के डिब्बे में आपको दो इलायची डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। या हल्दी और इलायची अभिमंत्रित हो जाएंगे जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेंगे। हल्दी और इलायची इस पूर्णिमा तिथि के बाद माता लक्ष्मी जी का वह वरदान आपके घर के लिए बन जाएंगे जिसके बाद आपके घर पर धन की वर्षा होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा, उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। अगर आप माता को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।